देखें ये तैयार हो गई है। ठीक सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब खैर खैरियत से होंगे उम्मीद है। अभी आज का व्लॉग हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे, एक्चुअली हमें चैदर से कुछ लेना था और टाइम बहुत ओवर हो चुका है, तकरीबन 9:45 हो रहे हैं और कुछ पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है कि चैदर ओपन होगा या नहीं होगा या क्या पता अभी लॉकडाउन की वजह से 9 बजे बंद हो गया हो। तो ये हमारी बेटी है अंशा, का थोड़ा सा मूड नहीं था, वो कुछ तैयार हो रही थी तो इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने पता था कि वो तैयार होने के बाद ये ब्लॉग बनाएगी तो वो बहुत ही, आप लोगों को पता है लेडीज़ आधा घंटा खींच लेती, तो इस वजह से अब आप लोगों को हुलिये से लग रहा होगा कितना टाइम लगा होगा इस चीज़ के लिए। नहीं, एक सेकंड में हो, मैं तैयार था। एनीवेज आगे की वीडियो हम कैसा में कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, और क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो बस मैं तो रेडी हो रही थी जल्दी जल्दी से, मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो इन्होंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया कि चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो। तो बस ये मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस अब आया पहना और हिजाब करा, बस रेडी, और ये हल्का फुल्का सा मेकअप किया है, तो बस ज़्यादा मूड नहीं था मेरा कुछ कपड़े वगैरह प्रेस करने का या तैयार श्यार होने का, और फिर अचानक से अभी लाइट भी चली गई तो बिल्कुल मूड नहीं था कपड़े प्रेस करूँ या तैयार, बस अब आया पहना और फिर देखना आप। अगर ये हिजाब ट्यूटोरियल अच्छा लगा है, स्टाइल अच्छा लगा है हिजाब स्टाइल, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी वीडियो के एंड में या कोई दूसरा ब्लॉग बना लूंगी इसके लिए, ठीक है? तो बस अभी हम निकल रहे हैं, ये मेरा बाया है, चले अब हम जाते हैं, निकलते हैं, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? मैं तो वेलकम बैक, अभी हम चेस गए थे और वहाँ क्या हुआ कि हम इतना लेट हो गए कि सब बंद हो गया, वहाँ हम गए थे मगर सब कुछ बंद हो गया, तो हम वापस यहाँ पार्क वगैरह था तो हम यहाँ आ गए कि मेरा थोड़ा सा खेल लेगी और हमारा भी थोड़ा टाइम गुजर जाएगा। मैं सच्ची बन रही हूँ मिन्हा, आप हेयर बैंड तो पहन लो, कुछ भी नहीं पहनती इसको, इतनी गमी लगती है, इतनी गमी लगती है। हाँ कुछ बोलेंगे बस, अब यहाँ आए, यहाँ थोड़ी देर हम लोग स्टे करेंगे उसके बाद यहाँ से फिर निकलेंगे। चेस तो बंद पड़ा हुआ था जाहिर है जब भी हम लोग यहाँ आए, वरना फिर आप लोगों को चेस की वीडियो मिल जाती। वीडियो क्या, वहाँ हमें कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और तो बस अभी हमें लग रही है थोड़ी बहुत भूख और हम कुछ मंगवाना चाहते हैं, और यहाँ जो है इतना कुछ खास है नहीं, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या खाएं, तो बस हल्का फुल्का सा खाएंगे फिर घर जाकर, ऐसे तो हम खाना खा के निकले थे मगर ये है कि अभी तो थोड़ा बहुत खाने का कुछ दिल चाह रहा है, तब देखते हैं। हाँ झूले झूलोगी मीना को, झूले झूलने शुक्र है कि हमें ये पार्क मिल गया, वरना तो हम ऐसे ही घर जा रहे होते है ना, अभी हम ऐसे ही घर जा रहे होते, ऐसे जा रहे होते कुछ मिलता ही नहीं है, अब तो लॉकडाउन है, इंसान रात में बाहर ही नहीं निकल सकता थोड़ा आउटिंग के लिए। अब तो हटने को तैयार ही नहीं है, 2020 भी ऐसे किया और 2021 भी यही बता रहा है कि मैं ऐसे ही जाऊँगा कोरोना की वजह से, और अब आगे का पता नहीं है कि जब तक वैक्सीन तकरीबन सबको लग नहीं जाती ना पूरे पाकिस्तान में सुनने में आ रहा है, तब तक ये लॉकडाउन तकरीबन चलता ही रहेगा। अभी तो मार्केट ओपन लोगों ने बोला हुआ है 8 बजे का, और अब आगे देखते हैं। शादी हॉल तो इन लोगों ने बंद ही करे हैं बिल्कुल ही, और पार्क वगैरह भी 8 बजे बंद रहते हैं, ये शायद थोड़ा अंदर की तरफ है और इस वजह से ये खुला हुआ है, वरना इधर की पार्क की भी थोड़ी लाइटें थोड़ी कम हो गई हैं इसी वजह से ताकि लोग यहाँ से जाएँ, लेकिन हम जाने वाले नहीं हैं। मिन्हा सोनू, गंजू पटेल, गंजू पटेल, गंजू पटेल, गंजू पटेल,
और अभी हम यहाँ से यही कुछ मिला है और कुछ नहीं था इतना खास, तो अंडे वाला बर्गर अभी ये खा रहे हैं और मैं भी खाऊंगी और मिन्हा भी खा रही हैं। और बस आज तो मैंने छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है कि बस अभी यही पीनी है, क्योंकि अब थोड़ा सा परहेज़ करना है कोल्ड ड्रिंक के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पी लेती हूँ मैं इस वजह से। तब थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं कि हिजाब, बड़ी मेहनत हुई है हिजाब पे। इसी चक्कर में मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था कि मुझे पता था कि व्लॉग बहुत ज़्यादा ही लंबा भी जाएगा और बाहर हम निकल नहीं रहे। तो अभी एक, अगर आप लोगों को ये हिजाब अगर पसंद आए तो फिर आप लोगों को ये हिजाब सीखना जो है उसकी वीडियो मिल जाएगी, उसका व्लॉग मिल जाएगा आप लोगों को। आप देख सकते हैं और ये पार्क भी देख सकते हैं। अभी हमने बर्गर वगैरह सब कुछ खा लिया, कोल्ड ड्रिंक भी पी लिए, बस हम यहाँ से हमारे उठने की तैयारी है थोड़ी देर। और हम लोग जो दिल चाहे सूट की मैचिंग की इयररिंग भी पहन सकते हैं, अगर चाहे तो हल्का सा चोकर वगैरह जो होते हैं ना वो भी पहन सकते हैं हल्का सा। तो और यहाँ पे ये बंच भी लगा सकते हैं, बंच भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने लगाया है। मैंने तो अबाया के ऊपर, मेरा अबाया भी दिखा दूँ, अबाया देख सकते हैं हम लोग, बटरफ्लाई अबाया। ये जगह बहुत प्यारी थी जहाँ ये वॉक कर रहे हैं ना, तो बस यहाँ एक दोनों ने स्लोमो बनाए थे। और अब हम मीना को टोकन वाले झूले झुलाने लेके जा रहे हैं और लाइटें सारी बंद की हुई हैं। अपनी लाइन में बोलती है, ओए लाइट आ गई, अरे वाह। ये लोग डर के मारे लाइटें ही नहीं खोल रहे थे कि कहीं पुलिस वगैरह ना आ जाए, तो पूरे पार्क की लाइटें वगैरह बंद रखी हुई थी। और लोग ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े बहुत लोग थे। और अभी इस टाइम तो हम सिर्फ हम ही थे और दो तीन लोग थे और सब जा चुके थे। टाटा टाटा, मैंने टाटा भी डाला, इसमें आवाज निकली, बाहर निकालो इसे, किसी को टाटा बैठो, नहीं आप बैठो, अब क्या टाटा कर लो। तो बस हम घर आ चुके हैं और अभी अभी हम इंटर हुए हैं। और अभी बस रास्ते से मैंने आम वगैरह कुछ खरीदे, आम वगैरह ख़रीदे। और हमारे जो हस्बैंड है ना वो इतने कोई, उनको कुछ ध्यान ही नहीं रहता, उनके साथ सारी चीज़ें हो जाती है पर उनको कुछ ध्यान नहीं रहता। मेरे आम भी गिरा दिए इन्होंने और थैली से आम गिर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा। इतने बदहोश होते हैं मेरे ख्यालों में कि इनको आम गिर गए मेरे, उनको पता ही नहीं चला, उसमें सिर्फ दो तीन आम पड़े हुए थैली में और सारे आम सब गिरा दिया। तो बस आम वगैरह लिए हमने और अब मैं हम घर आ चुके हैं, अब देखें क्या होता है। अब तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं होता, जो होना था वो हो गया। हम खाना वाना खा के निकले थे, बाहर से थोड़ा बहुत खाया, अब बस घर आ गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद मीना को सुलाएंगे। बस आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँ, क्योंकि कब से मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया है और कब से स्किन को ऐसे छोड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, क्लिनजिंग वगैरह या मास्क वगैरह कुछ भी नहीं अप्लाई कर रही हूँ मैं चेहरे पर, और काफ़ी ख़राब भी हो रहा है स्किन। तो बस आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो बस अगर करते हैं तो आगे आगे देखते हैं। तो ये चलें फिर, हमने क्लिनजिंग स्टार्ट कर दी थी अपनी। मैंने कहा कि चलो भाई स्किन केयर आज करी जाए थोड़ी बहुत। तो बस ये कोई भी आपके पास क्लिनजर हो ना तो आप लोग वो ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का हो आप लोग ले सकते हैं। मैंने गार्नियर का लिया था, इसका जो रिव्यू है वो मैं आपको किसी ब्लॉग में दे दूँगी। और काफ़ी अच्छा होते हैं ये, एक छोटा पैकेट भी आता है तो वो मैंने हल्का फुल्के से क्लिनजिंग के लिए, जो नॉर्मली होती है ना धूल मिट्टी, काफ़ी बाहर से आओ तो धूल मिट्टी होती है ये वो चेहरे पर, तो इससे मैं कर लेती हूँ, अच्छी होती है काफ़ी। आप लोग भी अगर नहीं ट्राई किया तो ज़रूर करिएगा, इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी हो, बहुत नॉर्मल से प्राइस हैं इसके।
और जो है बस ये हमने क्लीजिंग कर ली थी, ठीक है। तो ये मैंने स्टेप्स बता दिए हैं जिस तरह से मैं करती हूँ, थोड़े बहुत स्टेप मैंने बताए। इसी तरह से आपको पूरे फेस पे करते रहना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, बस मैंने क्लीजिंग की थी, उसके बाद मैंने स्क्रब वगैरह कुछ भी नहीं किया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैंने मास्क लगा लिया था, क्योंकि इतनी भी ज़रूरत नहीं थी, हल्की फुल्की सी करनी थी। और जाहिर सी बात है थकी हुई भी थी, बाहर से आए थे हम लोग, तो जितना हो सक रहा था मैं कर, और यहीं पे बैठे बैठे सारा हमारा फेशियल हो रहा था। कोई बॉल बॉल में पानी नहीं लाई थी मैं, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं किया था मैंने, बस जल्दी जल्दी वहीं पफ रखा हुआ था, वहीं स्प्रे रखा हुआ था। और ये रहा हमारा स्पेशल मार्क्स, मुल्तानी मिट्टी का मार्क्स है ये। और मुल्तानी मिट्टी तो कितना अच्छा रिज़ल्ट देती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका पाउडर जो हम अपने फेस पे लगाते हैं, कितना ज़बरदस्त ये मार्क्स बनता है। और मुझे इससे अच्छा तो कोई मार्क्स लगता ही नहीं, मेरा फेवरेट मार्क्स है ये मुल्तानी मिट्टी का। और मुझे अपने फेस पे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है ना इसका कि बस क्या बताऊँ मैं। और ये मैंने लगा लिया था, इतने आराम से एक तो ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। और तो ये स्किन टाइटनिंग मार्क्स है, जिनकी स्किन काफ़ी ढीली हो जाती है ना, तो वो ये हफ्ते में दो बार अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आप लोगों को, स्किन ग्लो भी करेगी और काफ़ी अच्छा जो लटकी हुई स्किन होगी ना आपकी, जो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आप मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा कि रिज़ल्ट कैसा अच्छा मिला। मुझे तो बहुत से 15 मिनट आपको लगा के रखना है ये, ठीक है। और ड्राई होने के बाद आप लोगों को फ़ौरन वॉश कर लेना है, ठीक है। तो बस ये ड्राई हो चुका था। और जो बिल्कुल यंग गर्ल्स होती हैं ना, वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्राई करें तो उनके लिए वही बहुत काफ़ी होगा, ठीक है। हफ्ते में दो बार उनको नहीं करनी। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। तो ये मैंने वॉश कर लिया था और बिल्कुल नेचुरल रिज़ल्ट है ये। और आप खुद देख लें कि मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। और मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला, मैं बहुत खुश हुई इस मार्क से। और जो मेरा मुझे नेचुरल नज़र आया और बिल्कुल सामने का नज़र आया, वरना जो लाइट की रोशनी होती है ना उससे काफ़ी फेस वाइट भी हो जाता है और शाइन भी कर रहा होता है। तो इस वजह से वो मैंने अभी ऑफ कर दिया है, तो देख लें। सोना मुन्ना उठ जाओ, श्री लाइक खा लो। बस इसके बाद मैंने इनको दूध वगैरह दिया, उसमें हल्दी हल्दी सी ना मैंने एक चुटकी हल्दी डाल देती हूँ, क्योंकि वो पता अच्छा लगता है, आपके दर्द वगैरह भी होता है ना तो वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। और नहीं भी होता तो आप एक चुटकी डाल लिया करें, वो सेहत के लिए तो वैसे ही अच्छी होती है, कोई नुकसान दे तो है ही नहीं हल्दी, ठीक है। तो बाय बाय, यहीं पर वीडियो अपनी ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। और जिसको मेरी इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता, तो अनशा आमिर के नाम से वहाँ आईडी है मेरी, और फॉलो करना हो तो वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।